अरब देश कतर की एक कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने भारत को हैरत में डाल दिया है। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी है, जिसके बाद उसका रवैया ऐसा है जिसे देखकर कहा जा रहा है कि वो इस फैसले को बदलने के मूड में नहीं है। भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को लेकर कतर की अदालत ने ये फैसला सुनाया है, उन्हें उसने पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया था। ये सभी पूर्व अधिकारी नौसेना से सेवामुक्त होने के बाद कतर में ही रह रहे थे और वहां की एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। देहरा ग्लोबल कंपनी में कार्यरत ये सभी 8 लोग वहां पिछले कई साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। देहरा ग्लोबल एक निजी कंपनी है जो कतर की सेना को ट्रेनिंग देने का भी काम करती है। कतर में जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को ये सजा सुनाई गई है, उन्हें पिछले साल कतर में इनके घरों से गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप लगाए गए थे कि ये कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये फैसला सुनाए जाने के फौरन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय भी हरकत में आया और कहा कि इस मामले में जो संभव मदद होगी वो की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम परिवारों के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। ये मामला सिर्फ 8 पूर्व भारतीय अफसरों की फांसी से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि भारत के सामने उन्हें बचाने की भी चुनौती है। इसे भारत की कूटनीति के लिए एक कड़ा चैलेंज माना जा रहा है, लेकिन इस मामले में अभी तक जो रवैया कतर दिखा रहा है वो नरमी वाला नहीं दिख रहा। कतर के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत ने उस समय भी कतर का साथ दिया था जब उसे अलग थलग करने की कोशिश की गई थी। बात साल 2017 की है, जब अरब देशों यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और मिस्र ने कतर को आतंक का साथी करार देकर उससे राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे, जिसके बाद वहां भुखमरी के हालात पैदा होने लगे थे। उस समय भारत ही था जिसने उसके सामने आए अन्य संकट को खत्म किया था और उस तक जरूरी मदद पहुंचाई थी। जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है, उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। कतर ने इन सभी पर जासूसी के आरोप में मुकदमा चलाया था। भारत सरकार इन सभी के प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास तेज कर रही है, जबकि इनके परिवारों से भी संपर्क साधे गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।